जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ, उनके लिए ये बजट एक चक्रव्यूह की तरह हो गया है। जो लोग वित्त मंत्री महोदया ने चुनाव से पहले बजट से पहले एक रस्म होती है जो हमेशा से एक परंपरा थी हलवा बनाने की, उसके ऊपर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें एससी एसटी और ओबीसी कहां पे हैं। वैसे तो हमारे शायद वित्त राज्य मंत्री उन्हें दिखाई नहीं पड़े, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय, जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ। मैं पूछना चाहता हूं महोदय ओबीसी की बात करने वालों से कि 53 में काका कालेलकर कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आई और 55 से 77 तक 22 साल ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारें आई, 10 साल तक ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। जिन्होंने चार चार पीढ़ियों तक खाया है हलवा, वो आज हमसे आके पूछ रहे हैं, वो तो मोदी जी जब आए तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला, अन्यथा। मैं हलवा और बलुआ वालों से पूछना चाहता हूं, बताएं 2014 में इनकी कैबिनेट में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे, 3 के भी नाम अगर बता दें तो यह दर्शाता है, मगर दर्शाने में कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है। आपको ध्यान हो, उनके लिए ये बजट एक चक्रव्यूह की तरह हो गया है। वो कहते हैं चक्रव्यूह और पद्मव्यूह समान है, पद्म मतलब लोटस यानी कमल। मगर महोदय मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश को बता देना चाहता हूं, उनकी ज्ञान के ऊपर महोदय, पद्मव्यूह चक्रव्यूह अलग है। प्राचीन भारत में पद्मव्यूह है, चक्रव्यूह है, गरुड़ व्यूह है, क्रौंच व्यूह है, चंद्र व्यूह है, मकर व्यूह है, त्रिशूल व्यूह है, 36 प्रकार के व्यूह है। मगर क्या करें, जिनको व्यू नजर आता हो उनके लिए हर चीज में उनको भारतीय जनता पार्टी और कमल के ऊपर आपत्ति नजर आती। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय, हम सब चाहते हैं इस देश में समृद्धि आए, बजट इसीलिए लाया जाता है, यानी मां लक्ष्मी की कृपा रहे, और हम सब चाहते हैं देश में प्रबुद्धता आए, मां सरस्वती की कृपा रहे, और मां सरस्वती भी कमल पर विराजती हैं और मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना इस देश में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त रहेगा।